हम करेंगे युवाओं की बात, इंजीनियरिंग कॉलेजों के हालात। दोस्तों, लगातार चल रहे मार्केट इश्यूज के कारण बहुत सारे मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसके साथ ही भारत के अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेरोजगारों की बात की जाए तो 11% तक बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही हमारे देश के अर्बन एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 6% तक हाइक होता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही रूरल एरियाज के अंदर 8% तक हाइक देखने को मिला है। इसका मेन रीजन है स्टार्टअप एंड मार्केट इश्यूज। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चल रहे मार्केट इश्यूज के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनियों से मैनेजमेंट टीम निकाल रही है। बहुत सारे हजारों लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों से फायर कर दिया। इसके अंदर ट्विटर एंड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिली है, जिसके कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर एंड मैनेजमेंट कॉलेजों के अंदर स्टार्टअप एंड बड़ी बड़ी MNC कंपनियां प्लेसमेंट के लिए विजिट ही नहीं कर रही है, जिसके कारण स्टूडेंट को जॉब लेने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे देश की अगर बात की जाए तो 18 लाख ग्रेजुएट हर साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जॉब्स की बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट को देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही इसका आंकड़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान में चल रही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की भर्ती के अंदर 800 वैकेंसी सीट के अंदर ऑलमोस्ट 12 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया। इसके साथ ही आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है, इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर बच्चों को स्किल नहीं सिखाए जाते, अच्छी अच्छी स्किल को ऊपर फोकस नहीं किया जाता, जिसके कारण बच्चे इंडस्ट्री से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है बिहेव ठीक से नहीं हो पाता और लोगों को समस्याएं लेने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब लगातार बढ़ रही टेक्नोलॉजी को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप लोगों को लगातार टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना चाहिए, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी है। इसके अंदर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर चुका है। इसके साथ ही US स्टॉक मार्केट की बात किया जाए तो मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई दिखाई दे है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब लेने के अंदर समस्या आती जा रही है। इसके कारण बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर वक्त हम करेंगे युवाओं की बात इन द इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ। धन्यवाद।